उनकी वजह से आज हमारी जो महिलाएं हैं आज इतने एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, प्रियंका चोपड़ा है, चाहे कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है या किरण बेदी है, जो इम्प्रेशन देती हैं महिलाओं को, ऐसे लोगों के इम्प्रेशन से आज महिलाएं अपने क्षेत्र में, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मीडिया में हो, बॉलीवुड में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, आज बहुत तगड़ी हैं, बहुत आगे हैं और उनसे बहुत प्रेरणा भी लोगों को मिलती है। झा जी और परीम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दो शब्द कहने का हमें मौका दिया। मैं यहाँ से आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या, ये हमारे समाज में आज भी अभिशाप बना हुआ है। महिलाओं को हर चीज़ में उनको रोका जाता है, टोका जाता है, यहाँ तक कि उनको जन्म से पहले मार दिया जाता है। किस लिए? वंश चलाने के नाम पर। वो बहुत समझते हैं, मैं बोलता हूँ अगर आज जननी नहीं रहेगी तो आज पुरुष कहाँ से आएंगे? जब जननी को आप मार रहे हो तो मेरे नज़र में कन्या भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए। सांगली में भी 3-4 दिन पहले डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए अटेंड किया गया है, तो मैंने जब देखा टीवी पे कि आज के युग में भी कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, तो ये आप इतनी महिला हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप अपने समाज में जिस क्षेत्र में भी हो, आप इम्प्रेशन बनिए, उनको बोलिए कि नहीं कन्या भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए, और उनको इम्प्रेशन बन के आप उनको आगे लेके आइए। दूसरा, बाल विवाह भी रुकना चाहिए, क्योंकि हम जैसे सावित्री बाई फुले का मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ कि एज उस टाइप पे चलता था, लेकिन आज की युग में भी बाल विवाह होते हैं, तो उसको भी रोकना चाहिए और विधवा विवाह होना चाहिए। मैं उसके बहुत सपोर्ट में हूँ कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड की बहुत कम एज में डेथ हो जाती है, फिर उनको एक अलग निगाह से समाज देखता है, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको भी जीने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो महिला का कोई कसूर नहीं होता है और उसको एक नई जिंदगी जीने का भी उनको प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने ये योजना लाई, इसके तहत बहुत सारी योजना है जो आगे आने वाले समय में आपको मिलेगी। और आज मैं सोचता हूँ लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों को सेम नज़र से देखना चाहिए। जैसे कि एक पिता अपने बेटी का लालन पोषण करता है और उसको शादी करने के बाद विदा कर देता है, फिर वो बेटा उसकी इतनी परवरिश फिक्र नहीं करता, लेकिन कि बेटी दूसरे घर में जाने के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, फोन करती है, पूछती है, हाल चाल लेती है। तो मैं बोलूँ कि जैन से लड़के से ज़्यादा लड़की माँ बाप का प्यार करती है और उनका केयर करती है। दूसरी बात कि आज हम देखते हैं कि एक सास अपनी बेटी को चाहती है कि अच्छा घर मिले, एक अच्छी जगह जिंदगी मिले, लेकिन जिस लड़की को लेके आती है बहू बना के, उसको भी अपनी बेटी की नज़र से देखे तो शायद सास बहू का झगड़ा भी ना होगा, तो वो भी हो। और मैं आप सभी लोगों से दो शब्द करके अपना मैं विराम देता हूँ, और आपने मौका दिया और कन्या भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए, इसके लिए आप अपने समाज में और जो भी जहाँ पे हैं उसको दें। धन्यवाद। बीजेपी एनआरएस के लिए धूप में वाइस प्रेसिडेंट का काम करता हूँ, और अभी मैं भारत की 7वीं बड़ी लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। कम से कम 30 देश में जा चुका हूँ, और जब भी मैं वहाँ गया तो इंडियन महिला के बारे में बहुत कुतूहल व्यक्त किया जाता है। मुझे, मैं MBA कर रहा था तभी मुझे याद है, देयर वाज अ थियरी कॉल्ड सेंस ऑफ मिशन, सेंस ऑफ एक्शन एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द मिशन। तो तीनों थियरीज में इंडियन महिला का उदाहरण दिया गया है कि हाउ ए इंडियन वुमन मैनेजेस हर फैमिली बाय डूइंग हाउसहोल्ड वर्क, डूइंग वॉट एवर शी कैन फॉर द फैमिली। ये करते हुए इंडियन महिला का इस दुनिया में और इस जग में बहुत बड़ा स्थान है। एज अ कंसल्टेंट टू लॉ फर्म सॉलिसिटर्स एंड माय कनेक्शंस विद अमेरिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चर, एजुकेशनल एबिलिटीज एंड टैलेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ ज़्यादातर महिलाएँ आई हैं, और मैं चाहूँगा कि नॉट दिस इज द बिगनिंग, कि
Adani sir, President हमारे कि how we can take advantage of this bridge between Texas and America and आपके जो भी विचार हैं, जो भी योजनाएं हैं इस विषय में आप मुझे दे सकते हैं और I wish and respect all Indian women and a very happy Women's Day and I end my speech. Thank you. मैं राजीव फिल्म डायरेक्टर सबसे पहले मैं आजादी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीरा रोड को अमेरिका से जोड़ने की बात की. धन्यवाद. और इसके बाद इस महिला दिवस पर मौजूद सभी सारी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं. फरीद भाई शाह साहब रॉयल ब्रिगेड, आपने जो इस रॉयल ब्रिगेड की शुरुआत की, मैंने मेरी उम्र में बहुत सारे एन जी ओ देखे. पहला एन जी ओ देख रहा हूँ जो सच में सेवा करता है. मैं जब भी कभी फरीद भाई या जहाँ साहब से मिलने के ऑफिस पहुँचता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि घंटों उनका इंतज़ार करता हूँ. मैं घंटों उनका इंतज़ार और हर इंतज़ार के हर पल में मुझे खुशी होती है कि उस हर पल में ये किसी न किसी की सेवा करते हैं. फरीद भाई, आपके लिए उस चार लाइन महिला दिवस से हट के कि हमको है तुमसे प्यार जरा मुस्कुराए, हमको है तुमसे प्यार जरा मुस्कुराइए, आ जाएगा करार जरा मुस्कुराइए. मुस्कान से तुम्हारे कई स्वस्थ हो गए, हमको भी है बुखार जरा मुस्कुराइए. मौजूद यहाँ सारी महिलाओं में ज्यादातर देख रहा हूँ कि सब हमारी कम उम्र के बच्चे नहीं है, हमारी उम्र के हैं. हम उनको ये बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों से घर को सजाए रखिए और बच्चियां अगर हों तो ताज बनाए रखिए. धन्यवाद. हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री की मॉडल विप्रा जी हैं, दो शब्द मैं चाहूंगा बोले. थैंक यू सो मच राजीव सर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हाय, आई एम विप्रा खान एंड आई एम रियली ग्लैड दैट I came here and be the part of this wonderful gathering. And first of all, I would like to say कि आप लोग यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही colourful और खूबसूरत लग रहे हैं. So एक जोरदार तालियाँ उन सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं for this grand function. Very nice. मैं कहना चाहूँगी ये मैंने कहीं पर सुना था नारी के बारे में कि कहलाती है वह नारी, कहलाती है वह स्त्री, उसने आदर्श बन के किया जग को उजियारा. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीमेन ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जो हम लोग देखते ही हैं. एक फैमिली, एक परिवार और एक समाज की नींव होती है एक नारी. हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टिकी हुई हैं नींव पर, स्तंभ पर खड़ी हुई हैं. तो एक परिवार और एक समाज नारी के ऊपर एक स्तंभ की तरह ही खड़ा हुआ है. वो टिका हुआ है अकॉर्डिंग टू मी नारी के विश्वास पर, सहनशीलता पर, उसके प्रेम पर. सो अ वुमेन इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन हियर. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अराउंड, लाइक इट इज ऑलवेज सेड that behind every successful man, there is a woman. और वो सच भी है क्योंकि एक औरत होती है एक मदर, माँ होती है, गुरु होती है, प्रेमिका होती है, सलाहकार होती है और एक सच्ची दोस्त होती है who completes a man. So again, I think so that women, they are the better half of men. और मुझे लगता है कि दिस पार्ट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर, डोंट यू थिंक सो? इट इज, या. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे एंड आई एम थैंकफुल टू दिस एनजीओ रॉयल ब्रिगेड एंड द पीपल एसोसिएटेड विद इट हु आर थिंकिंग रियली गुड फॉर दिस एनजीओ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ वीमेन फ्रॉम स्पेशली फॉर आर इंडिया. और
बस मुझे लगता है मैं जितने भी शब्द कहूँगी उतने कम है वुमेन हुड के बारे में. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हेलो. आज का दिन हमारे लिए सच में बहुत ही गर्व का है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के मशहूर हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं अजानी साहब. इनसे जब मैं पहली बार हमारी जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई तो चूंकि घमंड एक घमंड ऐसी चीज़ है जो कि सभी के अंदर है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर भी है, तो मैं इनसे क्षमा प्रार्थना करने के हिसाब से मैं अपनी बात को इनको याद दिलाता हूँ कि मैंने इसे क्या कहा था कि रॉयल ब्रिगेड हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी संस्था है जो ऐसा काम करती है जो कोई कर नहीं रहा है और आने वाले 100 साल में भी कोई नहीं करेगा. इसलिए मैं आपके साथ काम तो करूंगा लेकिन पहले मैं आपका ऑफिस देखूंगा. क्या सर सही है? ठीक है. इस बात से इनको नाराज होना चाहिए था मेरे ऊपर, इनको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इनका विनम्रता उस समय का जो चेहरा इनका था मुझे याद है और मेरे ऑफिस से इनका ऑफिस 1000 गुना ज्यादा बड़ा है और इनका दिल भी हमारे से 1000 गुना बड़ा है. मैंने महसूस किया तब जब मैंने इनका ऑफिस देखा. तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऐसे विशाल हृदय वाले जो मशहूर हस्ती अजानी साहब जो हमारे बीच आकर के इन्होंने कहा कि टेक्सास एक कंट्री है, एक सिटी नहीं है, एक कंट्री है और मीरा रोड भी एक कंट्री जैसा हो सकता है.